एक बार देखते हैं प्रोसेस, ठीक है? सभी को क्लियर वॉइस है, चेक कर लीजिएगा आप। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस अकाउंट बहुत ही सिंपल है हमारा ये चैप्टर, और अभी तक आपने देखा है जैसे कि प्रोसेस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बहुत बताता हूँ किस तरीके से होता होगा, और यह किसी फैक्ट्री में हर चीज़ के अंदर प्रोसेस लगता है, लेकिन मैं एक मार्कर की बात करता हूँ। मार्कर के अंदर देखा जाए तो ये कैप है, और ये देखा जाए तो इसका प्लास्टिक का एक इसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर इंक वगैरह है। इसको ओपन करूँगा ना तो इसके अंदर कॉटन डली है, और यहाँ पर निब है। निब के बाद इसके ऊपर आपका रैपर भी किया होता है, प्रॉपर तरीके से पैक भी किया जाता है। इसके बाद देखें तो ये बॉक्स में भी डलता है। अब इस मार्कर को बनने का मैं बात करूं तो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना इसके ऊपर, ये एक अलग जगह पे बनता है, और इसके ऊपर जो रैपर डला हुआ है, नाम वगैरह जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये अलग जगह पर नाम वगैरह लेबलिंग डलता है यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर जो कॉटन है वो कहीं अलग जगह पे बनता है। अलग जगह का मतलब हम फैक्ट्री के अंदर ही काफ़ी सारे अलग अलग रूम बना लेते हैं, एक तरीके से ये समझो अलग अलग रूम बना लेते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे, और वहाँ लिख देते हैं जैसे कि इसके अंदर जो कॉटन डला है कॉटन डिपार्टमेंट, जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर डल रहा है मटीरियल डिपार्टमेंट, जहाँ पे इंक डल रहा है इंक डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बनते ही ये पहुँच जाता है कहाँ पर, कॉटन डिपार्टमेंट में, कॉटन फिलिंग होता है। कॉटन डिपार्टमेंट से कहाँ पहुँच जाता है, ये इंक डिपार्टमेंट, इंक जैसे ही हो जाता है उसके बाद फाइनल टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी होगा। तो ये अलग अलग प्रोसेस से होके निकलता है, इसे हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें एक प्रोडक्ट बनाने को बोला जाएगा, और प्रोडक्ट की सारी जानकारी होगा, क्या क्या खर्चा हो सकता है, मटीरियल हो सकता है, मटीरियल के बाद क्या खर्च हो सकता है इसमें, लेबर मजदूरी कर रहे हैं, लेबर के बाद क्या खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो जितने भी बाकी के खर्चे हैं ना, जैसे बिजली का बिल हो गया, या फिर जैसे आप मान के चलो सैलरी वेजेस कुछ भी खर्चा होता है, तो उन सभी को कॉस्टिंग में हम उस खर्चे के नाम से ना बुला के एक जनरल नाम हम दे देते हैं जिसको बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोल देंगे हम, ओवरहेड। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हो सकता है कि सैलरी बोला जाए, वेजेस बोला जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोला जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो इस्तेमाल होगा ना वो इस्तेमाल होगा आपका ओवरहेड के नाम से, ठीक है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के जरूरी नहीं है कि आपके प्रोसेस कितने होंगे, एक दो प्रोसेस भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर कितने हैं, मेनली तीन प्रोसेस वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसका एक बार ट्रेंड समझना कि जो भी मेरे पास, मान लेते हैं कि मैं यहाँ से एक मेरा प्रोसेस वन है ये, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस टू है, और यहाँ पर मान लेते हैं प्रोसेस थ्री है। यहाँ पर कुछ खर्चे होंगे, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस होगा ना यहाँ पे, जैसे क्या क्या हो सकता है, मटेरियल, और क्या हो सकता है, लेबर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और क्या हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है। मान लेते हैं ये 500, ये मान लेते हैं 1000, ये मान लेते हैं 100, तो टोटल खर्चा जो हो गया वो 1600। तो 1600 मैं मार्कर की ही बात कर रहा हूँ, तो जो स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा तैयार किया है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ यूनिट भी तो पता होगा। अगर मैंने ये 1600 रुपए का मटेरियल लगाया है तो कोई नंबर ऑफ तो यूनिट होगा, नंबर ऑफ यूनिट के केस के अंदर क्या रहेगा, हमें उम्मीद कुछ और होगा और आउटपुट कुछ और निकलेगा। मान लेते हैं मैंने सोचा कि 1600 का अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे कम से कम 100 या 1000 यूनिट तो बन के तैयार हो जाएंगे, हमारी सोच है ये। हमने कितने यूनिट बनाने का सोचा हुआ है, 1000, यानी बन के तैयार हो जाएगा, मीन्स ये क्या है, आउटपुट। इसको क्या बोलेंगे आप, आउटपुट बोलेंगे, जो होगा ना बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इनपुट में जो मटेरियल डाला है वो डाला है, मान लेते हैं कि मैंने 1200 यूनिट के बराबर का मटेरियल डाला है, क्योंकि कभी भी 100% आपका ना आउटपुट नहीं निकलता, कुछ वेस्टेज भी तो होगा। अब मान लेते हैं कि वर्कर है, लेबर है, उसने ध्यान नहीं दिया, वो इधर उधर ध्यान दे रहा है, मशीन को थोड़ा सा उसने सही से ट्विन नहीं किया, तो लो खराब हो गया, वो वाला स्टॉक ही खराब हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में थोड़े बहुत हमारे क्या होते हैं, मटीरियल वेस्टेज होता है। अब मटेरियल वेस्टेज की मैं बात करूं तो मटेरियल वेस्टेज भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकता है आपका नॉर्मल, और या हो सकता है आपका एबनॉर्मल। एक आपका वेट लॉस भी होता है यहां पे, यानी तीन तरीके के नुकसान मैंने बताया, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एक वेट लॉस।
सबसे पहले मैं थोड़ा सा अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा। अभी नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। नॉर्मल लॉस की बात में कि उसको पता तय होता है कि इतना तो नुकसान होना ही होना है, फिक्स होता है कि इतना नुकसान होना है। उसको पता कैसे चलता है, वो पास्ट ट्रेंडिंग के हिसाब से देखते हैं। 100 बार डाला उसने, 100 बार डाला 1200 यूनिट, और उसका हर बार निकल के आया मान लेते हैं 1100 यूनिट। हर बार कितने यूनिट निकल रहा है उसका, तो उसे पता है कि भाई 100 तो बर्बाद होना ही होना है। तो जो 100 यूनिट यहां पे हमारा नुकसान हुआ है ना, इसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। लेकिन हमने ये तो नहीं सोचा था कि 1000 निकलेगा तो 200 नुकसान हो जाएगा। तो 100 यूनिट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो कौन सा लॉस कहलाएगा, नॉर्मल। और जो आपका एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला जाए उसे बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। उसे क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस भी हम बेच देंगे और एबनॉर्मल लॉस भी बेचा जाएगा, चाहे कोई भी नुकसान हो, स्क्रैप में तो बिकेगा, नॉर्मल लॉस भी बिकेगा और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस जो हमारा बिकेगा ना, ऑलवेज एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा कि मान लेते हैं कि मेरे 100 यूनिट खराब हुआ, मैंने 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया, देगा। एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए में बिकेगा इसका एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन होगा। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है, सर नॉर्मल बेचोगे चाहे एबनॉर्मल, जो हमारा जंक डीलर कबाड़ी वाला है वो तो सेम रेट में ले जाएगा, तो इसका रेट, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो बर्डन होता है ना, अल्टीमेटली हमें शिफ्टिंग करना होता है किस पे, कस्टमर पे। और एबनॉर्मल लॉस का बर्डन शिफ्ट नहीं करते हम। जैसे मान लेते हैं किसी एग का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक ट्रे एग लेके आता हूँ, एक ट्रे में मेरे ख्याल 30 अंडे होते हैं, और मैं 1 रुपये का एक अंडा खरीदता हूँ तो 30 रुपये का है। मुझे पता है जहाँ से भी मैं खरीद के लाता हूँ वहाँ पर मेरे 10 अंडे जो हैं वो खराब हो जाते हैं हर बार का, ये 10 या 2 अंडे खराब हो जाते हैं हर बार का। तो अल्टीमेटली जो मैं 30 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं किसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, 28 अंडे के लिए, अगर 2 अंडे मैं मान के चलूँ। तो नाउ कस्टमर से मैं 1 रुपये, अगर मैं कस्टमर से नो कॉस्ट नो प्रॉफिट एनजीओ भी खोल लूँ, तो मैं कस्टमर से बोलूँगा जी 30 / 28 आपको ये अंडा पड़ेगा 1 रुपये 7 पैसे में, मैं बोलूँगा, और कस्टमर को पे करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 30 अंडे खरीदे और 30 में से 29 खराब हो गए, एक ही बचा, सारे टूट गए, बचा कितना है, एक। जब एक बचा तो इसका मतलब 30 / अगर एक यूनिट करेंगे तो एक अंडे की कॉस्ट कितनी आई, 30। अब ये मैं कस्टमर से अगर वसूलने की कोशिश करूंगा तो कस्टमर कभी भी देना बोलेगा भाई मुझे क्या मतलब, तुमने तोड़ दिया तो वो तो तुम्हारा नुकसान है। आपने सुना होगा अगर दुकानदार आपके पास आए और फिर बोले आज नुकसान हो गया, तो बोले वो तो तुम समझो भाई, हम क्यों दें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये वाला लॉस आप अपने ऊपर लेके देखो, क्या बियर करने की चाह रहे हो कि मैं दे दूं इसको 1 अंडे का 30 रुपये, नहीं, लेकिन इसके लिए आपको देना ही पड़ेगा आपको। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट होता है, इसलिए इसका रेट हमें जो गिवन है उससे कैलकुलेशन निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस हमें बियर करना है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हमारे ऊपर कितने का बर्डन आया। जैसे यहाँ पे नॉर्मल लॉस देखा जाए तो कितने का, 1 रुपये 7 पैसे का तो बिक ही सकता ही है, बाकी का डिफरेंस जो भी रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस में। एक होता है वेट लॉस। वेट लॉस को हम बेच ही नहीं सकते। मैं लिखूंगा अभी सारी बातें, अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या टर्म्स आएंगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो किन किन टर्म्स से हमें पाला पड़ेगा, हम किसको देखेंगे, तो वो पता होना चाहिए ऑलरेडी हमें, ठीक है। एक आता है वेट लॉस। सर ये वेट लॉस क्या होता है, आप परचून की दुकान को देखो, परचून की दुकान प्रोविजनल स्टोर वाले परेशान एक ही चीज़ से रहते हैं। किस चीज़ से परेशान रहते हैं सबसे ज़्यादा, वो दुकान के अंदर इतने चूहे होते हैं कि उसका दुकान का सारा सामान क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ से। तो उस केस के अंदर उनका, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर वो 10 किलो कोई सामान खरीद के लाते हैं, उसके दुकान में अगर मान लो बहुत सारे चूहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो आधा किलो तो खा ही जाएगा इसमें से, अब ये भी नुकसान है या नहीं है। और उसे पता है 10 किलो लाऊंगा, आधा किलो अगर ये मेरा लॉस हो जाएगा तो नॉर्मल लॉस है, रेगुलर का उसे पता है, लेकिन उसको बेचे किसको, वो तो चूहे के पेट में है, क्या उसको निकाल के बेच सकते हैं। तो ये है वेट लॉस। या कई बार ऐसा होता है जब हम तौलते हैं ना, वेटिंग करते हैं, वेट लॉस का मतलब जब देते हैं कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा भी चला जाता है, मान लेते हैं 1 किलो है तो एग्जैक्ट 1 kg नहीं होगा ना, 1 kg 5 ग्राम भी तो हो सकता है, तो वो भी लॉस है। तो ये लॉस जो होता है ना, वेट लॉस, ये हमारे पास लॉस तो है लेकिन ये मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो क्या इसको बेच सकते हैं हम, नहीं बेच सकता। इसका अगर बेचने की मैं बात करूँ तो 0 रुपये। तो नॉर्मल लॉस बिक सकता है, नहीं बिक सकता, डेफिनेटली बिक सकता है क्योंकि इसका स्क्रैप तो है।
एबनॉर्मल लॉस बिक सकता है नहीं बिक सकता, स्क्रैप है लेकिन वेट लॉस नहीं बिक सकता, तो तीन तरीके का लॉसेस भी हम इसके अंदर देखेंगे। अब हमारा मैंने बताया पी वन था, पी वन से माल कितना निकला ये, अब मैंने बोला पी वन से ये वाला ढांचा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो अगले में कॉटन डलेगा ना, तो यही वाला 1000 यूनिट हमें पहले पहुंचाना पड़ेगा कहां, पी टू में। और इस 1000 यूनिट का कॉस्ट अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा जी इसका कॉस्ट आया 1600। अब अगेन यहां पे मटेरियल डलेगा, पी टू में मटेरियल डलेगा या नहीं डलेगा, कॉटन डलेगा ना इसमें, तो वो भी किसका पार्ट है हमारा, मटेरियल का पार्ट है, अगेन मटेरियल डलेगा, मटेरियल के बाद लेबर भी लगेगा, लेबर के बाद ओवरहेड भी लगेगा, फिर से मुझे उम्मीद है कि यहां पे 1000 डाला है तो 1000 यूनिट क्या हमारा एक्चुअल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। कोई मान लेते हैं एम्प्लॉय गुस्से में उसने तोड़ ही दिया, नुकसान तो हो गया ना वहां पे। तो इस तरीके से देखा जाए यहां पे मेरा 900 यूनिट ही निकल पाया है। अब 900 यूनिट निकलने के बाद फिर से हम यहां पे ले जाएंगे इंक डालने के लिए, इंक डालने के लिए जब ले जाएंगे तो इसको कहां लेके जाएंगे हम, P3 में, प्रोसेस 3, P1, 2, 3 यानी प्रोसेस के लिए मैं लगा रहा हूं। अब जब P3 में हम लेके जाएंगे इसको तो वहां भी नुकसान होगा फिर से हमारा, और नुकसान होने के बाद मान लेते हैं कि मैं 700 यूनिट बनाने में कामयाब हुआ तो इसको क्या करेंगे हम, बेच भी सकते हैं या हमारा फिनिश गुड्स होगा, ये क्या होगा हमारा फिनिश गुड्स जो फाइनली सोल्ड होने के लिए रेडी है, या इसके बाद भी कोई प्रोसेस होगा तो वो अलग बात है हमारा। तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हमारे तीन प्रोसेस होंगे, मैं मेनली तीन ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तीन ही होगा, दो ही हो सकता है, एक भी हो सकता है आपके क्वेश्चन के भी क्वेश्चन में, तो तीन मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं। तीन के केसेस में प्रोसेस वन के अंदर सबसे पहले इनपुट डलेगा और उसके साथ कुछ खर्चे भी, और जो प्रोसेस वन के अंदर होगा या तो होगा नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस या दोनों या वेट लॉस या तीनों, और कई बार गेन भी हो जाता है, तो गेन वाले की तो बाद में बात करेंगे। वहां से कुछ ना कुछ सारी चीज बना के मिला के कुछ तैयार होगा जिसको हमें कहां भेजना है, प्रोसेस टू में। प्रोसेस टू में अगेन खर्चे वगैरह डलेंगे, वहां से जब सारी चीजें तैयार होगा तो कहां भेज देंगे, प्रोसेस थ्री में भेज देंगे, और प्रोसेस थ्री अगर मेरा फाइनल स्टेज है तो वहां से जो हमारा होगा फाइनल गुड्स निकल के तैयार हो जाएगा, या तो उसे बेचिए या फिनिश गुड्स के नाम से लिखिए। अब इन तीनों प्रोसेस को जब हम बनाएंगे तो बनाते टाइम पे हमारे एग्जामिनर जो है इसके अंदर मेनली कुछ ही पॉइंट्स है जो जैसे कि मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ें देगा, साथ के साथ कई बार आपको एग्जामिनर आपको इनपुट जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे सकता है। एग्जामिनर बोलेगा हमने 1000 किलो सामान डाला है 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो आपको समझना होगा कि आपका इनपुट कितना है, 2000 रुपये का है, यानी आपको पूरा नहीं बताएगा कि इनपुट इतने का है, आपको उसके अंदर बता देगा इतने केजी के हिसाब से। दूसरी चीज, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि यहां से 1000 यूनिट अगर आउटपुट हुआ है तो अगले प्रोसेस में पूरे 1000 भेज दें, हो सकता है मैं भाई 500 यूनिट बचा लेता हूं, 500 पे ही लगाओ अभी कॉटन, समझ रहे हो ना। सेम प्रोसेस यहां पे भी होता है कि कभी भी फाइनल पूरा हमारा आगे नहीं जाता है, तो मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, यहां थोड़ा बहुत टेंटेटिव आइडिया लगा है आपको प्रोसेस का क्या रहता है, एक फॉर्मेट बनाऊंगा, फॉर्मेट बनाने के बाद बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जी प्रोसेस अकाउंट बनेगा कैसे, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, हमें जनरली बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोसेस के अंदर देखते हैं, मैंने मान लिया एक बनाया प्रोसेस ए लिख लिया मैंने, प्रोसेस ए है सबसे पहले पर्टिकुलर, और यहां पर यूनिट लिखना है। सर यूनिट का मतलब, अगर आपको यूनिट गिवन है तो यूनिट लिखिए, केजी गिवन है तो केजी लिखिए, टन गिवन है तो टन लिखिए, बैरल गिवन है बैरल लिखिए, लीटर गिवन है लीटर लिखिए, किसी की चीज का प्रोसेस हो सकता है, तो जो भी होगा मैंने सिंपल कॉमन वर्ड लिख दिया यूनिट, और यहां अमाउंट। जैसे यहां पे सबसे पहला हो सकता है इनपुट, इनपुट का मतलब जो लगाया, और यहां पे इनपुट का क्या आ जाएगा यूनिट, जैसे 1000 यूनिट लगाए 2 रुपए के हिसाब से तो मल्टीप्लाई करके यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 2000। इसके बाद फिर यहां पे क्या लग सकता है, मटेरियल। सर इनपुट डाल दिया तो मटेरियल, बिल्कुल इनपुट तो डाला है हमने, एक प्रोडक्ट बना बनाया लगभग, उसके अंदर भी तो और चीजें लगाएंगे तभी तो हमारा माल तैयार होगा। इसके बाद क्या लग सकता है, लेबर। लेबर वेजेस जो होता है ना, वेजेस वर्ड ना यहां पे ज्यादा पॉपुलर होता है किससे, लेबर से, ठीक है ना, यहां पे लेबर वर्ड बोलेंगे जो आपने पहले वेजेस के नाम से सुना है। इसके बाद ओवरहेड, OH लिख देता हूं मैं, ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है, छोटे मोटे जितने भी जनरली खर्चे हैं वो सारा का सारा क्या रहेगा, ओवरहेड।
अब यहां टोटलिंग कर लेंगे हम। अब यहां पे एक तरीके से ये पी एंड एल अकाउंट है, आप ध्यान दो ना, तो एक खर्चा, इधर सारा खर्चा लिख दिया और इधर सारी इनकम लिख देंगे, और फिर फाइनली हमारा क्या पता चलेगा कितने प्रोसेस हमारा माल तैयार हुआ है। यहां पे यूनिट और यहां पे अमाउंट। मैं साथ के साथ ना नीचे प्रोसेस टू भी बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, दो ही प्रोसेस में बनाऊंगा यहां पे, उसी से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस किस तरीके से काम रहेगा हमारा। ये जो मैंने बनाया है ये प्रोसेस नंबर कौन सा है, बी, पहला प्रोसेस ए है और इसके ऊपर हेडिंग डाल दिया प्रोसेस बी, और ये है यूनिट अमाउंट, यूनिट और अमाउंट। अब ध्यान से देखिए, प्रोसेस में ना सबसे मुद्दे की बात है जब हमारा मटेरियल नुकसान होता है तो दो तरीके से, वैसे तीन है, मेजरली एक आध क्वेश्चन में आपको वेट लॉस दिखेगा, बाकी दो तो दिखेगा ही दिखेगा। क्या होगा आपका नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस को आप किधर दिखाओगे, बाय साइड में, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। यहां पे आपने यूनिट के जगह पे यूनिट लिखना है, अमाउंट के जगह पे अमाउंट। ये हमेशा आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा, हमेशा देगा, ये आपको ऑलवेज गिवन है। इन केस आपको नहीं गिवन है तो आप इसे जीरो मान सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा, ये नॉर्मल लॉस। इसके बाद हमें यहां पे जो है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जैसे ये क्वेश्चन के बीच में आएगा तो टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। यहां पे कभी भी आपको एग्जामिनर एबनॉर्मल लॉस नहीं देगा, आपको कैलकुलेशन करने के बाद बाय लॉजिकल आपको पता करना होगा। जैसे मैंने बताया कि जी मेरा 1200 इनपुट दिया और 100 मेरा नॉर्मल था, 1200 अगर इनपुट दिया 100 नॉर्मल था तो 1100 आउटपुट होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला यार निकले तो 1000 ही, तो आप समझ जाओ 1100 होना चाहिए फिर भी 100 एक्स्ट्रा हो गया तो वो एबनॉर्मल है। तो ये एग्जामिनर नहीं देगा, ये क्या करना होगा ऑलवेज आपको फाइंड करना होगा, और दोनों चीज़ें फाइंड करना होगा आपको, यूनिट भी और रेट अमाउंट भी। तो कैसे फाइंड करेंगे सीखेंगे, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा है। इसके बाद यहां पे हो सकता है कि हमारा वेट लॉस हो, वेट लॉस हो सकता है जो बहुत रेयर केस है, तो वेट लॉस का आपका यूनिट तो होगा लेकिन अमाउंट नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल बताया था ना वेट लॉस का कि वो तो बिक ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली वो है ही नहीं। इसके बाद अब यहां पे जो यूनिट बचा है इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो होगा क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है तो, यानी हम कुछ स्टॉक बचाना चाहते हैं, एक तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक और जो बाकी बच गया उसको भेज दो नेक्स्ट प्रोसेस में। जो बाकी बच गया उसे कहां भेज दो, अब नेक्स्ट प्रोसेस में भेजने की बात करें तो कौन से प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस बी में जाएगा, तो यहां नाम आएगा प्रोसेस बी। क्लोजिंग स्टॉक का आपका कैसे निकलेगा, सिंपल निकल जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बता पाऊंगा और क्या यूनिट है और क्या है, यहां आ जाएगा। प्रोसेस बी में भेजने का मतलब प्रोसेस बी में आ जाएगा टू साइड में, और यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रोसेस ए, और यहां पे प्रोसेस ए लिखने के बाद जो भी यूनिट ये वाला है यही यूनिट आ जाएगा और अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट आ जाएगा। समझ रहे हो यहां तक, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या रहेगा हमारा, टू मटीरियल, अगेन टू मटेरियल आएगा, मटेरियल में यूनिट भी हो सकता है अदरवाइज नहीं होता मैक्सिमम केस में, लेबर, लेबर के बाद आएगा हमारा क्या, ओवरहेड, कंटिन्यू वही सारी चीजें। अब जरूरी नहीं है कि जितने चीजें यहां पे थी उतनी चीजें यहां भी खर्चा हो, ऐसा हो सकता है मे बी यहां मटेरियल ना लगा हो, ऐसा हो सकता है ओवरहेड ना हुआ हो, ये चीजें पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि सर यहां पर तीन खर्चे हैं तो यहां तीन क्यों नहीं आए, तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा यहां पे सबसे पहले रहेगा हमारा क्या, नॉर्मल लॉस। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऊपर मैंने पूरा लिखा है, क्या रहेगा नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस की अगर हम बात करें तो या तो यूनिट और अमाउंट, ये दोनों चीजें क्या होगा, ऑलवेज गिवन होगा, टेंशन है ही नहीं इसमें। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस होगा तो इधर आएगा, लेकिन कई बार ना हमारा एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। सर एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकता है, मान लो मैंने 1200 यूनिट इनपुट डाला और मुझे पता है 100 यूनिट खराब होने हैं तो मेरा कितना बनना चाहिए, 1100, लेकिन काउंट किया रे इस बार तो 1120 बन गए, मतलब लेबर ने गलती कम करी है इस बार,
लेबर ने मिस्टेक्स क्या करें, कम करें, तो कितने बन गए 1120, तो इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा बन गए ना, तो ये है गेन, और ये साधारण नहीं एबनॉर्मल गेन होगा। तो अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो कहाँ लिखेंगे, टू साइड में, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ए बी जी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया ए बी जी। ए बी जी क्या है, एबनॉर्मल गेन। यूनिट भी आपको ही निकालना है और अमाउंट भी, ये दोनों पॉइंट्स आपके निकालने के, एबनॉर्मल लॉस हो चाहे गेन हो। और एबनॉर्मल गेन को ना एक और बड़े ही मतलब अलग नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिव, या मैं बोल लूँ एबनॉर्मल गेन, या मैं बोल लूँ एबनॉर्मल इफेक्टिव, बात एक ही है, दोनों ही एबनॉर्मल क्या है हमारा, गेन है। ऐसे ही अगर हम आ जाते हैं बाई साइड में, तो अब देखो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर जो स्टूडेंट सोच रहा है ना कि सर एबनॉर्मल गेन हो गया तो एबनॉर्मल लॉस इधर लिख दो, तो नहीं, या तो एबनॉर्मल का लॉस होगा या एबनॉर्मल का गेन। अगर यहाँ गेन हो गया तो अब लॉस नहीं हो सकता। इसके बाद अगर मेरा मान लो दो ही प्रोसेस है, तो यहाँ पे फाइनली जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसे क्या नाम दे देंगे, फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का यूनिट और अमाउंट। एग्जामिनर एक बात और पूछेगा क्वेश्चन में, बताओ पर यूनिट कितने का फिनिश गुड्स पड़ा, तो पर यूनिट फिनिश गुड्स निकालने के लिए, पर यूनिट एफ जी लिख रहा हूं फिनिश गुड्स को, निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, निकल जाएगा, बड़ा सिंपल सी बात है ये, तो हम स्टार्टिंग से निकालते आए कि ये जितना खर्चा हुआ इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट से, पर यूनिट निकाल के बता देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया प्रोसेस नंबर टू। तो अब प्रोसेस नंबर अगर मैं थ्री भी बनाऊँ ना, तो थ्री में क्या रहेगा, जो प्रोसेस नंबर टू पे यहाँ पे लिखा है हमने फिनिश गुड्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोसेस सी, और ये पहुँच जाएगा प्रोसेस सी में, फिर से वही खर्चे और वही नॉर्मल एबनॉर्मल गेन लॉस जो भी होगा निकलेगा। तो यहाँ तक फॉर्मेट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है तो क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ आपने पढ़ना है और यहाँ पे पुट करना है और आपको सॉल्यूशन वहाँ पे निकालना है। तो इसके पहले फॉर्मेट नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे जो इजीली हमें समझ में भी आ जाएगा। तो फटाफट एक बार इसको नोट करिए आप।